सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कल से महामेला लगेगा। कल से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट शुरू हो रहा है और अगले दिन से G20 की बैठकों का सिलसिला भी शुरू होने जा रहा है। समिट 3 दिन चलेगा और G20 की बैठकें लंबी चलेंगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और प्रदेश के 4 कमिश्नरेट में प्रस्तावित G20 आयोजन के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। इसके लिए 24 IPS अधिकारी, 68 PPS तथा 5,415 अराजपत्रित अधिकारी कर्मचारी लगाए गए हैं। ADG प्रशांत कुमार के मुताबिक 10 से 12 फरवरी तक लखनऊ कमिश्नरेट में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन होना है। इसके अलावा 11 चरणों में कमिश्नरेट लखनऊ, आगरा, वाराणसी तथा गौतम बुद्ध नगर में 11 फरवरी से 27 अगस्त तक G20 की बैठकें होनी है। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, समिट शुरू होने में बस कुछ ही वक्त रह गया है, तैयारियां जोरों पर हैं, तैयारियों में अंतिम टच दिया जा रहा है, क्या कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं? विदेशों से जो है निवेशक यहाँ आके निवेश कर सके और प्रदेश के जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनको एक बढ़िया रोजगार मिल सके और प्रदेश में बेरोजगारी की जो जिस प्रकार से कही जा सकती है कि पूरे देश में महंगाई और बेरोजगारी का कांटा चल रहा है उसको दूर किया जा सके। अगर हम बात करें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तो कई देशों से लगभग 600 मेहमान आ रहे हैं। वही देश विदेश से मिलाकर ये मेहमानों की संख्या हजारों के पार जा सकती है और इस तरीके से कई प्रकार की तैयारियां जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर खास तौर पर की जा रही है। सबसे पहले अगर हम बात की जाए एयरपोर्ट की तो एयरपोर्ट पर एक बेस बनाया गया है जहाँ विदेशी मेहमानों का स्वागत होगा। वहाँ पे लक्ष्मण जी की प्रतिमा भी लगाई गई है जिसका अनावरण हो चुका है। इसके बाद अगर हम बात करें तो रेलवे स्टेशन पर भी अधिकारियों से खास तौर पर तैनात किया गया है कि किसी प्रकार की दिक्कत जो है वो मेहमानों को न हो पाए, चाहे वो देशी मेहमान हो या फिर विदेशी मेहमान, किसी प्रकार की भी दिक्कत ना हो पाए। अब 25,000 वर्ष है ये समिट जो है वो फैला हुआ है और सबके लिए बोर्ड लगाया गया है जिससे मेहमानों को इतनी लंबी दूरी पैदल यात्रा करना पड़े और कई प्रकार की सुरक्षा के भी व्यवस्था इंतजाम किए गए हैं एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन से लेकर जहाँ कार्यक्रम मकसद है वहाँ पे। मयूरी विवेक, जानकारी के मुताबिक G20 और GIS के लिए आज CM योगी एक समीक्षा बैठक करेंगे और तैयारियों का जायजा लेंगे। आज जी बिल्कुल, कल से ये इन्वेस्टमेंट समिट शुरू होनी है तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी समीक्षा बैठक करके तैयारियों का जायजा ले लेंगे और क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है तो हर हाल में जो है जो तैयारियां हैं आज की आज 100% तक पूरी होनी चाहिए जिसकी एक समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और तमाम विभागों के प्रतिनिधि उसमें होंगे, अपनी अपनी रिपोर्ट देंगे और रिपोर्टों की वो समीक्षा करेंगे जिसकी आपको तैयारियां जो है हो चुकी है, कहीं कोई कमी तो नहीं, क्योंकि एक बड़ा आयोजन है, एक भव्य आयोजन है और विदेशी मेहमान जो है वो 600 विदेशी मेहमान जो है इस समिट के लिए 3 दिन समिट के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आने वाले हैं। मयूरी, विवेक, मेहमानों का सिलसिला आने का जारी हो जाएगा तो क्या ट्रैफिक में क्या कुछ बदलाव किया गया है, सुरक्षा के कैसे इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? देखिए बिल्कुल, ट्रैफिक व्यवस्था में जो है बदलाव किया गया है आज से, वो ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया है, करीब 8 जगह पे रूट डाइवर्जन किया गया है ताकि किसी प्रकार की जाम की स्थिति से निपटा जा सके, किसी मेहमानों की आवाजाही अब से शुरू हो जाएगी तो 8 जगह रूट डाइवर्जन किया गया है और राहगीरों को खुद ही जो है जो आम जनता है यहाँ की जनता है उनको वैकल्पिक मार्ग ढूंढने के लिए बताया गया है ताकि आप खुद ही अपना वैकल्पिक मार्ग ढूंढे और कुल 8 जगहों पे जो है वो ट्रैफिक जो है रूट डाइवर्जन कर दिया गया है और साइड पर से लेके तमाम जो जगह है चाहे आईबा अंडर पास लीजिए यहाँ पे रूट डाइवर्जन की जगह है प्रशासन ने कल ही जो है इतला कर दिया था कि आज से कुल 8 जगहों पे डाइवर्जन होगा और जो राहगीर है जो जनता है यहाँ की लोकल जनता है वो अपने वैकल्पिक मार्ग की तलाश खुद कर ले। जी धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए।
राजधानी लखनऊ को आज बड़ी सौगात मिलने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज लखनऊ आगमन होगा। इस दौरान राजनाथ सिंह राजधानी में एलिवेटेड पुल का लोकार्पण करेंगे। यह पुल शहीद पथ से लखनऊ एयरपोर्ट को जोड़ेगा, जिससे लोगों को जाम से निजात मिलेगी। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ, मंत्री जितिन प्रसाद, एमएलए राजेश्वर सिंह समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। बता दें कि लखनऊ से सांसद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र में दो दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे। इस दौरान शहीद पथ को एयरपोर्ट से जोड़ने वाले एलिवेटेड फ्लाईओवर, नगराम रेलवे फ्लाईओवर और राजाजीपुरम क्लेवर लीफ का लोकार्पण करेंगे। बता दें एलिवेटेड पुल का आज लोकार्पण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकार्पण करेंगे, वहीं सीएम योगी भी साथ मौजूद रहेंगे। बता दें इससे एलिवेटेड पुल का आज लोकार्पण किया जाएगा, जिससे लोगों को जाम से निजात मिलेगी। यह पुल शहीद पथ से लखनऊ एयरपोर्ट को जोड़ेगा। सीएम योगी साथ मौजूद रहेंगे। एलिवेटेड पुल का आज लोकार्पण किया जाएगा। राजनाथ सिंह का आज लखनऊ आगमन होना है। बता दें सीएम योगी भी साथ मौजूद रहेंगे। एलिवेटेड पुल का आज लोकार्पण किया जाएगा। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले राजधानी लखनऊ को आज एक बड़ी सौगात मिलने वाली है, वहीं रक्षा मंत्री और सीएम योगी मौजूद रहेंगे। आज फ्लाई ओवर का लोकार्पण किया जा रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले लखनऊ को एक बड़ी सौगात कह सकते हैं। लखनऊ वासियों के लिए एक बड़ी सौगात है इस फ्लाईओवर से। इसके उद्घाटन के बाद इसका जब आना जाना होगा तो और ट्रैफिक की समस्या से छुटकारा मिलेगा और तमाम तरह की चीजें जो है, जिस प्रकार से हमने देखा है कि कई बार जो है वो ट्रैफिक की समस्या लगातार रहती है और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए रूट डाइवर्जन भी आज तक किया जा चुका है। इस फ्लाईओवर के आने के बाद ट्रैफिक की छुटकारा जो है जान छुटकारा होने से निजात भी मिलेगा। देश की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज इसका उद्घाटन करेंगे। विवेक, कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे लोकार्पण के दौरान? अरे बिल्कुल, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितिन प्रसाद के साथ साथ श्रीनगर के विधायक राजेश्वर सिंह भी मौजूद रहेंगे और इस सबकी उपस्थिति में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इस फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। विवेक, राजनाथ सिंह का राजधानी लखनऊ में आगमन होना है, तो कितने बजे राजनाथ सिंह लखनऊ पहुंचेंगे और ये लोकार्पण का कार्य होगा? देखिए आज जो है राजनाथ सिंह जो है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ पहुंचने वाले हैं। वीआईएस में भी वो भाग लेने वाले, क्योंकि लखनऊ से राजनाथ सिंह का पुराना संबंध है। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं तो लखनऊ से उनका पुराना संबंध है। लखनऊ जो है वो आते जाते भी रहते हैं और यहाँ की जो नब्ज है उससे उसके उनकी पकड़ जाता है। आज उनका आगमन हो रहा है, करीब 12 बजे तक करीब वो फ्लाईओवर का उद्घाटन भी करेंगे और तमाम जो है बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के वहां से मौजूद रहेंगे। पदाधिकारी बड़े मौजूद रहेंगे, खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितिन प्रसाद की मौजूदगी वहां पे रहेगी और इन सबकी मौजूदगी के बीच में राजनाथ सिंह जो है फ्लाईओवर का उद्घाटन करके लखनऊ की जनता को सौगात देने मिलेंगे। जी धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।